हेलो फ्रेंड, teachmedaily.com में आपका स्वागत है। दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे यहाँ पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कंसेप्ट, ट्रिक और फॉर्मूलोज को सीखेंगे, जिनकी मदद से आप सिंपल इंटरेस्ट की किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इफ वी बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक और अ पर्सन, देन वी रिटर्न द सम आफ्टर सम टाइम विद सम एक्स्ट्रा मनी। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट पेड इज नोन एज इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट को हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। अगर हमने किसी से पैसा बोरो किया, मतलब पैसा उधार लिया है किसी बैंक से या किसी आदमी से, तो उसे हमें कुछ समय बाद लौटाना पड़ता है, और वो भी कुछ एक्स्ट्रा मनी के साथ, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ उसे लौटाना पड़ता है। तो वही होता है सिंपल इंटरेस्ट, उसे हम हिंदी में ब्याज बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें टी क्या है? प्रिंसिपल। आर क्या है? रेट। और टी क्या है? टाइम, डिवाइडेड बाय 100। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज द मनी बोरोड फ्रॉम अ लेंडर। मतलब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल को हम क्या बोल सकते हैं? उधार बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो उधार क्या होता है? किसी बैंक या किसी व्यक्ति से लिया गया जो हम कुछ अमाउंट होता है उसे हम प्रिंसिपल या उधार बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन R इंटू T। 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन R इंटू T, रेट इंटू टाइम। अब थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? इट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है। चौथी डेफिनेशन है हमारे पास टाइम। इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड। मतलब टाइम क्या होता है? हमने कितने समय के लिए किसी से उधार लिया है, मतलब बोरो, किसी से कुछ मनी बोरो किया है, वही उसका टाइम होता है, कितने समय के लिए लिया है। टाइम का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन R इंटू T। फिफ्थ डेफिनेशन है हमारे पास रेट। रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज दर। ब्याज दर। अब होता क्या है ब्याज दर? जैसे हमने किसी बैंक से पैसे लिए या किसी व्यक्ति से पैसे लिए, तो उसमें हम कुछ परसेंट में हमको वो देता है, मतलब वो कितना ज़्यादा उसमें, कितना एक्स्ट्रा वो मनी उसमें हमसे लेगा, तो उसका वही क्या होता है? रेट होता है। रेट को हम सिंपली हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज दर। चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसे अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, सोनिया बोरोड रुपीज 1000 फ्रॉम अनिल एट द रेट ऑफ 16 पर एनम। मतलब सोनिया ने अनिल से 1000 रुपये बोरो किए, उधार लिए, और वो किस रेट पे लिए? 16% पर एनम, हर साल के 16% पर एनम के हिसाब से लिए। हाउ मच इंटरेस्ट विल सी हैव टू पे एट द एंड ऑफ 8 मंथ। तो इसमें पूछा गया है कि वो कितना इंटरेस्ट लेगी 8 महीने बाद। ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट पेड। और क्या निकालना है हमको इसमें? साथ कितना टोटल अमाउंट हमको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल मीन्स उधार कितना लिया है उसने, बोरो कितना किया है। तो प्रिंसिपल है 1000, रेट है 16%। तो रेट हम लिख लेते हैं 16%। और क्या क्या दिया है? और क्या दिया है? हाउ मच इंटरेस्ट विल सी हैव टू पे एट द एंड ऑफ 8 मंथ। मतलब टाइम दिया हमें। तो टाइम कितना दिया है? टी इक्वल टू
8 months. तो टाइम को हम हमेशा किस में लिखते हैं, ईयर्स में लिखते हैं. तो 8 months दिया इसमें, 8 महीने दिया, तो इसको ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8/12. तो 8/12 को हम 8/12 ईयर्स लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड बाय 12 कर दिया ना हमने इसको साल बनाने के लिए, कितने साल के लिए. तो ईयर्स बनाने के लिए हम किस क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं. इससे ये कटेगा 4 2 8 और 4 3 12 इक्वल्स टू, टाइम कितना हो जाएगा, 2/3 ईयर्स. तो हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, हाउ मच इंटरेस्ट विल सी गिव, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए, टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, टी इंटू आर इंटू टी अपॉन. तो अब क्या करते हैं, इसमें सीधे सीधे हम वैल्यू रख देते हैं. तो पी प्रिंसिपल है 1000, और रेट है 16%, तो 16 लिख देते हैं, और टाइम है 2/3 ईयर, 2/3. और क्या बोला है, नीचे क्या होता है, 100, तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, 100. तो अब इनको डिवाइड करते हैं, से ये कटा, से ये कटा, और अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो 16 2 32, 320 अपॉन ये 3. तो इसे हम कैलकुलेटर में देखते हैं, कैलकुलेट करके 320 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 106.6666, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 106.6. चलिए इतना तो हमारा आंसर आ गया है. अब आगे हमें क्या निकालना है इसमें, ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट पेड. तो इसमें हमको आगे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये प्रिंसिपल प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट. तो अमाउंट ए इज इक्वल टू तो प्रिंसिपल हमारे पास है 1000, प्रिंसिपल है 1000, और सिंपल इंटरेस्ट कितने हैं, 106.6, ये है सिंपल इंटरेस्ट. तो अमाउंट कितना आएगा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 1000 प्लस 106.6 कितना होगा, 1106.6. तो हमारा आंसर आ गया 110.6 रुपीज. तो उसको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 1106.6 रुपीज पे करना पड़ेगा, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया था 106. तो देखिए हमारे दोनों आंसर आ गए हैं. इस क्वेश्चन में बोला गया है, आई बोरोड सम मनी फ्रॉम द बैंक एट 8% पर एनम, मतलब मैंने बैंक से कुछ रुपया लिया
उसे कितने कितने रेट में लिया, 8% पर एनम के हिसाब से लिया, हर साल के 8% ब्याज दर पे लिया। और आगे बोला गया, आई हैड टू पे RF 138.75 एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर 1 मंथ, और मुझे तीन साल 1 महीने बाद उसे 138.75 इंटरेस्ट में उसे लौटाना है। तो इसमें बोला गया है, व्हाट सम डिड आई बोरो, मतलब मैंने कितना उधार लिया, मतलब वहां से कितना बोरो किया मैंने। सबसे पहले हमें जो जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है, एक तो रेट गिवन है 1%, तो ये रेट है, रेट कितना है 1%, ब्याज दर कितनी है 1%, और आई हैड टू पे 138.75, और आगे क्या बोला है, आफ्टर 3 ईयर 1 मंथ, तो टाइम दिया है, टाइम कितना है 3 ईयर 1 मंथ, तो दोस्तों 3 ईयर 1 मंथ मतलब कितना होता है, इसको हमने पूरे को ईयर में लिखना पड़ता है, मंथ को जैसे मंथ लिखा है 1 मंथ लिखा है तो इसे भी ईयर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3 साल में कितने महीने होते हैं 36, 1 साल में 12 महीने, 12 × 3 = 36, तो 36 और 1 37 मंथ, मतलब 3 साल 1 महीने में कितने, 3 साल 1 महीने में टोटल कितने मंथ होंगे, 37 मंथ होंगे। तो इसे हमने ईयर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे, डिवाइड बाय 12। और हमें एक और चीज़ दी है, सिंपल इंटरेस्ट, आई हैड टू पे RS 138, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दी है, RS 138.75 रुपये हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, व्हाट सम डिड आई बोरो, मतलब कितना हमने उधार लिया। तो उधार मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, तो हमें क्या निकालना है, इसका मतलब प्रिंसिपल निकालना है इसमें। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 × SI / R × T। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो हम सीधे सीधे इसमें रख देते हैं। तो 100 × सिंपल इंटरेस्ट है 138.75, अपॉन रेट है 8% इंटू टाइम है 37/12, तो इसको 12 ऊपर चले जाएगा, तो 12 यहाँ पे लिख देते हैं 12। तो चलिए इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 100 × 138.75 × 12 कितना होगा, 1660 डिवाइडेड बाय 37 × 8 = 296। तो चलिए इसे एक और बार डिवाइड कर लेते हैं, 166500 डिवाइडेड बाय 296, 562.5, मतलब
5 62.5। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 562.550 रुपीज। 5 था तो 50 लिख सकते हैं उसको। तो हमारा आंसर कितना आया 562.50 रुपीज इज आवर आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए यहाँ पर से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ट्रिक्स और वेरियस मेथड्स और प्रॉब्लम्स आदि डालते रहते हैं, जो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही मददगार हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।